doing well in your life. So let's start today's topic. And today's topic is शॉर्ट वोवल ई सेंटेंस प्रैक्टिस. ओके, हमें शॉर्ट वोवल ई के हमने साउंड को सीखा था, वर्ड्स प्रैक्टिस किए थे. तो आज हम कुछ छोटे छोटे से सेंटेंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमारी जो ग्रिप है रीडिंग की तरफ एक स्टेप और हो जाए. ठीक है, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज ए हम्बल रिक्वेस्ट. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो जैसे शॉर्ट वोवल ई, कुछ वर्ड लिस्ट है यहाँ पर. जैसे मैं ए, ने, मैन. ओके, रे, ए, डे, रेड. वे, ए, टे, वेट. फे, ए, ले, ले. फेल, है, ए, मैं, हैम. के, ए, गे, केग. ये, ए, ले, येल. के, ए, ने, कैन. ने, ए, के, नेक. मैं, ए, से, मैस. बे, ए, ले, बेल. वे, ए, ले, वेल. ने एट नेट. मैं एग मैग. बे एट बेड. बे एट बेट. बे एग बैग. है एक्स. रे ऐसे टे रेस्ट. डे ए न डेन. ये ऐसे यस. पे ए पे पेप. मैं ऐसे मैस. डे ए के डेक. वे एट वेट. जे ए डे जेड. टे एन डेन. ले ए डे लेड. ए एन डे एंड. डे ए बे डेब. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स को प्रैक्टिस किया. तो आप इस तरह कुछ और वर्ड बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, ये स्लाइड है शॉर्ट ई सेंटेंसेस. ठीक है, जहाँ पर ई का जो साउंड है वो शॉर्ट है, वो कहाँ पे रहता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. तो यहाँ पर हम सेंटेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके, तो द फर्स्ट सेंटेंस इज कैन. ए ने कैन. बे एट बैट. मै एग मैग. टे एन टेन. पे ए ने से ए पेंस. कैन बैट मैग टेन पेंस. सेकेंड सेंटेंस. ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस है द रे ए डे. बे ए गे. फे ए ले. ले ओ ए ऑन द मैं एन मैन. ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं यहाँ पर जो लॉन्ग शॉर्ट वोवल ई हैं. ठीक है, तो इससे हमने सेंटेंस को सीखा. नेक्स्ट सेंटेंस है ने एट नेट. से ए के सेक. है ए जे हेल. आ वे एट वेट. है एम हैम. ठीक है, तो यहाँ पर हम ए के और ई के दोनों के वर्ड्स मिक्स होकर भी आए हैं. तो यहाँ पर हमारा ए का भी रिवीजन हो रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए डे ए बेट एब. है ए जे हैज. आ फे एट ए फैट. वे एट ए वेट. ठीक है, ये दोनों वर्ड एक ए का है और ई का है. तो दोनों का रिवीजन साथ साथ होते चल रहा है हमारा. तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. जे एफ जेफ. से एट सेट. दी है एन हैन. इन आ मैं एस एम एस. ओ द बैट. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ साइट वर्ड भी आ रहे हैं कि जो देखते ही बच्चा बोलता है, रिपीट होते हैं हर चैप्टर में, जैसे इन आ ऑन द. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम बच्चे को, क्योंकि ऑटोमेटिकली इन वर्ड को बच्चा सीख जाएगा अगर वो कंसिस्टेंटली हम उसको टाइम दे रहे हैं, उसको रीडिंग सिखा रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. बैग ए बैग. द वे एट ए वेट. फॉर अ रेड हैन. ठीक है, तो टे ए से टेस. ले एड लेट. मैं एग मैग. टू द एंड ऑफ द डेक. जे एड जेड. इजंट वेल. Yet, lad, jed, rest. The bed, hands, quack and pack. Jeff set the net on the end of the deck. ठीक, तो स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बच्चे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, या उसकी जो होमवर्क नोटबुक है उसमें आप उसको दे सकते हैं. अब हम सीखते हैं लॉन्ग वोवल ई सेंटेंस प्रैक्टिस. ठीक है, हम शॉर्ट वोवल के वर्ड प्रैक्टिस कर चुके हैं, सेंटेंस भी. तो चलिए आगे चलते हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वर्ड हैं. हमने सीखा था कि जो लॉन्ग ई साउंड होता है वो किन कंडीशंस में, किस सिनेरियोज में होता है, तो उसको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बच्चे को दे सकते हैं. तो बच्चे की जो प्रोफिशिएंसी होगी नेक्स्ट लेवल होगी. ठीक है, तो अब इनकी हेल्प से हम जो कुछ सेंटेंस हैं उनको देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, वी
feed three monkeys. We need to see the team. Okay. So Steve and Pete will not eat red meat. A thief will steal these jeeps. ठीक है. Feed the seed meat and a pea. Okay. Next sentence है. Read these brief deals. Eve, do you see a seed? The vet will heal the pet's heel. Keep Steve on the team. Jake, the beam is seen by the vet team. ओके तो यहाँ पर हमने सेंटेंस प्रैक्टिस किए हैं. तो आई होप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और बच्चे को अपने होमवर्क में दे सकते हैं, प्रैक्टिस में दे सकते हैं. तो डेफिनेटली बच्चे को जो लेवल होगा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ताकि हम वैल्यूज ऐड कर सकें बच्चों की लाइफ में. तो थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए. ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर टाइम.